नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सेन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट ब्लैक पेपर फ्रॉम इंडिया, यानी जिसको काली मिर्च बोलती है, ब्लैक पेपर काली मिर्च को हम इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें प्राइसिंग क्या क्या रहता है, मार्केट साइज क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या, अगर हम काली मिर्च को कंज्यूम करते हैं कितनी मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए, डिमांड कौन कौन सी कंट्री में, कहां कहां पर हमारा टॉप इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, एचएस कोड क्या है, उसका हम सोर्सिंग कहां से कर सकते हैं अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, और उसका ईपीसी का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मार्केट साइज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मार्केट साइज आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर का मार्केट साइज, जो वर्ल्ड मार्केट साइज की हम बात करें तो 4.1 बिलियन की बात हो रही है, 4.1 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट साइज है। तो अच्छा मार्केट वैल्यू आपको यहां दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं हेल्थ बेनिफिट्स की, अगर हम कंज्यूम करते हैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को हम खाते हैं, तो उससे हमें क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, क्यों इतना डिमांड में है, तो इसमें है हाई एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के लिए मैं कई बार अपने वीडियो में बता भी चुका हूं, एंटीऑक्सीडेंट मतलब इट विल लोअरिंग योर एजिंग इफेक्ट, यानी आपकी उम्र जैसे थम सी जाती है, 40 साल की एज में भी आप 30 ईयर्स के लगने लगते हैं, यानी आपकी उम्र रोक दे देता है, यानी एजिंग इफेक्ट को ये कम करता है, स्लो करता है, उसकी गति को धीमा करता है। अगर मैं बात करूं इंप्रूव मेमोरी, यानी आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है। अगर मैं बात करूं कंट्रोल शुगर लेवल, तो इट कंट्रोल योर शुगर लेवल, यानी डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। इट लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल, यानी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है, इवन लोअर करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने से आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। इट हैज द कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टी, यानी कैंसर को फाइटिंग प्रॉपर्टी इसमें अच्छी है, इसलिए वो अच्छी डिमांड में भी है। इट हैज द गुड न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें अच्छी मिल जाती है। इंप्रूव डाइजेशन सिस्टम, उससे डाइजेशन भी अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं उससे इम्यून सिस्टम, इट विल स्ट्रॉन्ग योर, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो इट विल मेक योर इम्यून सिस्टम मोर स्ट्रॉन्गर एज अर्लियर। तो आप कंज्यूम करें, लेकिन ज्यादा मात्रा में आप इसको कंज्यूम ना करें फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं डिमांड की, तो डिमांड कौन कौन सी कंट्री में है, तो सबसे पहले जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले पायदान पे आता है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहां पे इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 580 मिलियन यूएस डॉलर का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहां पे इंपोर्ट कर रहा है। चाइना यहां पे 2 नंबर का इंपोर्टर है, तो चाइना यहां पे 461 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। थाईलैंड की अगर बात करूं, तो थाईलैंड यहां पे 201 यानी 200 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा, मिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा वो इंपोर्ट कर रहा है, यानी 201 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है थाईलैंड। अगर मैं जर्मनी की बात करूं, जर्मनी 185 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। अगर स्पेन की बात करूं, तो स्पेन 144 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। तो ये सब इंपोर्टिंग कंट्रीज है, यानी इन पांचों कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काली मिर्च के बिजनेस से, या फिर ब्लैक पेपर के बिजनेस से, या फिर किसान हैं, या फिर आप ट्रेडर हैं, तो आप टारगेट कर सकते हैं इन पांचों कंट्री को। अगर मैं एचएस कोड की बात करूं, तो ये 09 नंबर चैप्टर में आता है, और उसका सब चैप्टर 04 है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 09041140। इसको इजीली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ड्यूरिंग योर रिसर्च। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपको इसको अच्छा चौंका देने वाले मिल रहे हैं। तो यहां पर लगभग, अगर हिंदुस्तान से इसको आपको सोर्सिंग करना है, तो लगभग आपको ये 350 से 500 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाता है, जो इंडियन मंडीज हैं। तो इंडिया की मंडी में आपको ये लगभग 350 से 500 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाता है। और जब इसको आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने में जो एफओबी वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है डाटा, लगभग 800 से 1500 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। रिटेल प्राइस तो इसका 2000-2500 के हिसाब से भी जाता है, लेकिन आपको एफओबी प्राइस यहां पर 800 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मिलना चालू हो जाता है, यानी लगभग 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन तो आपको यहां देखने को मिल ही जाता है। अगर मैं बात करूं इसका सोर्सिंग आप कहां से कर सकते हैं, तो सबसे पहले सोर्सिंग, अगर जैसे आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को इसको कहीं से ना कहीं से सोर्सिंग करना रहेगा। तो सोर्सिंग करने के लिए सबसे पहले पायदान पे आता है कर्नाटका। तो कर्नाटका यहां पे प्रोडक्शन कर रहा है अराउंड 33,000 मीट्रिक टन
3000 मीट्रिक टन अकेला कर्नाटका इसका प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कर्नाटका इसका हब है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार हो रही है कर्नाटका में। अगर केरला की बात करें तो केरला नंबर दो पे आता है। केरला यहाँ पे 28,000 मीट्रिक टन पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कर्नाटका और केरला दो एक ऐसे स्टेट है, दोनों स्टेट को अगर हम मिलाएं तो लगभग इंडिया का जितना भी प्रोडक्शन है जो कि 70,000 मीट्रिक टन है उसका 45% तो अकेला इन दो ही स्टेट से आ रहा है। तो आप टारगेट कर सकते हैं कर्नाटका को और केरला को, तो वहां दोनों से लेके अगर आप केरला के रहने वाले या कर्नाटका के रहने वाले हैं तो आप वहां से सोर्सिंग करके आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं और ब्लैक पेपर का आप बिजनेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ईपीसी की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो अलग से ही फोकस करने के लिए स्पाइसिस कैटेगरी में आता है, तो स्पाइसिस को अलग से फोकस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पाइस बोर्ड बनाया हुआ है, यानी ईपीसी स्पाइस बोर्ड। जैसे टी के लिए टी बोर्ड, कॉफी के लिए कॉफी बोर्ड, तंबाकू के लिए तंबाकू बोर्ड, तो स्पाइसिस के लिए भी स्पाइसिस बोर्ड अलग से बनाया हुआ है। तो आप स्पाइसेस बोर्ड का आरसीएमसी ले सकते हैं, जैसे आप ओपेडा का आरसीएमसी लेते हैं, आप स्पाइसेस के लिए स्पाइस बोर्ड का आप आरसीएमसी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री, यानी वो कौन-कौन सी कंट्री जो इसका सबसे ज्यादा पैदावार कर रही है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है वियतनाम। तो वियतनाम इसका सबसे ज्यादा पैदावार भी कर रहा है और सबसे ज्यादा वो उसका एक्सपोर्ट भी कर रहा है। वो हम आगे बात करेंगे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है। तो वियतनाम इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। वियतनाम कितना प्रोडक्शन कर रहा है? अराउंड 273,000 मीट्रिक टन, 273,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन कर रहा है वियतनाम अकेला। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नंबर कंट्री की जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है उसके बाद वियतनाम के बाद, तो सेकंड नंबर पे आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहां पे प्रोडक्शन कर रहा है अराउंड 88,000 मीट्रिक टन। ब्राजील नंबर तीन पे आता है, तो ब्राजील यहां पर प्रोडक्शन कर रहा है अराउंड 80,000 मीट्रिक टन। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान यहां पे फोर्थ नंबर पे आता है। वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 70,000 मीट्रिक टन पर ईयर ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को हम लगभग 70,000 मीट्रिक टन पर ईयर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन कर्नाटक और केरला में मैक्सिमम है। कर्नाटक और केरला से आप लेके इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं ब्लैक पेपर को। अगर मैं बात करूं टॉप कंपीटिटर कंट्री कौन-कौन सी, यानी वो टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन-कौन सी है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है वियतनाम, जो हमारी बाजू की कंट्री है, पास की कंट्री है। तो वियतनाम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 142,000 मीट्रिक टन, यानी उसका प्रोडक्शन था 273,000 मीट्रिक टन, उसमें से वो 142,000 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कर दे रहा है। दैट इज अराउंड 36% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहाँ पर मोनोपोल बना हुआ है वियतनाम का। वियतनाम इसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो हिंदुस्तान में भी इसका प्रोडक्शन हो रहा है, हिंदुस्तान भी उसका एक्सपोर्ट कर रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, आप भी इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो नंबर दो पे आता है यहां पे ब्राजील। ब्राजील यहां पे प्रोडक्शन जो कर रहा था 80,000 मीट्रिक टन का, तो यहां पर प्रोडक्शन वो एक्सपोर्ट कर रहा है 73,000 मीट्रिक टन, यानी 80,000 प्रोडक्शन होता है उसका और 73,000 वो एक्सपोर्ट कर दे रहा है। यानी इंडोनेशिया यहां पे दो नंबर प्रोडक्शन में था, लेकिन यहां पर वो एक्सपोर्टर में तीन नंबर पे आता है। तो एक्सपोर्टर कितना कर रहा है इंडोनेशिया? इंडोनेशिया एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 36,000 मीट्रिक टन पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है इंडोनेशिया। अगर मैं ब्राजील और इंडोनेशिया का दोनों को कंबाइन करके देखूं कि उसका प्रोडक्शन इसका परसेंटेज कितना आता है वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड में, तो इंटरनेशनल ट्रेड में ब्राजील और इंडोनेशिया दोनों मिलकर कर रहा है अराउंड 28% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, यानी 36% अकेला वियतनाम कर रहा था और इन दोनों कंट्री को मिला के देखें तो ये 28% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में 70,000 का प्रोडक्शन था और हम यहां पे ओनली 17,000 मीट्रिक टन का हम यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लगभग हम यहां पे हमारा कंजम्पशन भी अच्छा है और हम यहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा प्रार्थना है हमारे जो किसान भाई बहन है, आप इसका ज्यादा से ज्यादा आप इसका प्रोडक्शन करें, और जो भी आप अगर आप इसका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसका खुद भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमारे ट्रेडर्स हैं बीच में जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी आप दे सकते हैं, ताकि हमारी कंट्री का इकोनॉमी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सके और हम फोर्थ प्लेस से लेके सेकंड प्लेस या फिर कभी ना कभी फर्स्ट प्लेस पे तो जरूर आ जाएं। अगर मैं बात करूं फिफ्थ नंबर की, तो फिफ्थ नंबर पे जर्मनी आता है। तो जर्मनी यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 16,000 मीट्रिक टन। श्रीलंका यहां पे 15,000 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट कर रहा है। मलेशिया 12,000 मीट्रिक टन का यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इन सब से भी अपने प्राइसिंग एंड क्वालिटी का हमें ध्यान रखना होगा और हमें कंपटीशन को बीट करना होगा।
इंटरनेशनल मार्केट में आगे आना होगा। अगर मैं प्राइसिंग का हमने बताया था फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, हर एक वो बंदा जो कि जॉब कर रहा है, जो बिजनेस में आना चाहता है या फिर इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, जो पैसे कमाना चाहता है, मिलेनियन बनना चाहता है, तो उसको जरूर आप इसको शेयर कीजिए। हर दिन की तरह हमेशा खुश रहिए और एक्सपोर्ट करते रहिए, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद भी कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।